नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 14 अगस्त और आज जो है ज़्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, दो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे आर्टिकल ही हैं, बहुत पॉइंट वाइज है, सिंपली हम लोग जो इनको डिस्कस कर सकते हैं। तो एक तो अभी सरकार ने जो है एक प्रपोजल लाया संसद में, जो है एक बिल लेकर के आए हैं और चूंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स की वो सिलेक्शन कमेटी हो। और वो 3 मेंबर्स कौन होंगे, तो एक खुद प्राइम मिनिस्टर, दूसरा जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा हो, और लीडर ऑफ अपोजिशन एक्चुअली लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं से भी हो सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा कैंडिडेट जो है वो खुद CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस तरीके की रिकमेंडेशन, ये ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो है किसी डिसीजन के थ्रू या किसी रूलिंग के थ्रू ऐसा करने की पहली बार कोशिश की हो, इसके पहले 2 कमेटीज ही बन चुकी। 1975 में एक जो है जस्टिस तारकुंडे समिति थी, तो उस तारकुंडे समिति ने भी कुछ इसी तरीके का सजेशन दिए थे। और उसके बाद में एक कमेटी बात की है, दिनेश गोस्वामी कमेटी, तो उस दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी इस तरीके के रिकमेंडेशन पहले दिए थे। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहली बार कुछ ऐसा किसी तरीके का डिसीजन दिया हो। सरकार ने क्या किया, सरकार जो प्रपोजल लेके आई है, सरकार ने उसमें CJI गायब कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें से हटा दिया। और हटाने के साथ में उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनेट किया हुआ एक यूनियन मिनिस्टर उसमें इंक्लूड कर लिया। मतलब कुल मिला के जो सिलेक्शन कमेटी रहेगी वो रहेगी तो 3 ही लोगों की, लेकिन वो तीनों प्राणी जो हैं 2 सरकार के हो गए और एक जो है लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया। समस्या इस बात की उस उपज के आई है सामने कि चूंकि इलेक्शन कमीशन आप जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जितने भी बड़े इलेक्शन, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा का चुनाव, या राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित चुनाव है तो राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित चुनाव, उसके बाद में जो 22 प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट हैं, तो ये सारे चुनाव जो है ये कराने का काम करता है इलेक्शन कमीशन। और ये इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं और पूरा वास्तव में एक तरह से आप देखें तो देश का लोकतंत्र जो है इन्हीं चुनावों के ऊपर टिका हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन का किसी भी तरह से बायस्ड हो जाना देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और देश के लोकतंत्र के लिए चूंकि खतरा है, तो इसलिए अगर अपॉइंटमेंट में, यानी इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में अगर कहीं बायसनेस आ जाती है, मींस तटस्थ रह कर के नहीं किया गया, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अब इस सिलेक्शन कमेटी की तरफ आप जब गौर करेंगे तो 2 प्राणी सरकार के, 1 प्राणी लीडर ऑफ अपोजिशन। मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन, अब इसका प्रोसीजर क्या है कि एक सर्च कमेटी जो है वो क्या करेगी, सर्च कमेटी को हेड करने का काम करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, और वो सर्च कमेटी जो है 5 लोगों की लिस्ट देगी इस सिलेक्शन कमेटी को, और ये सिलेक्शन कमेटी जो है उन 5 लोगों में से जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अब देखिए ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन में भी 3 इस वर्तमान समय में जो है 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी के 2 जो हैं वो सरकार रिक्रूट करती है। अभी तक का जो प्रोविज़न है, सरकार रिक्रूट करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस से बाकी 2 को, ठीक है। और साथ में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उसको हटाया भी नहीं जा सकता ऐसे सिंपली, उसको हटाने के लिए मींस इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ता है, मींस संसद जो है संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से जब प्रस्ताव पास, मतलब पारित कर दिया जाएगा, तब हटाया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है तो उस तरीके से इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। बाकी के जो 2, चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह से ही उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह के आधार पर जो है बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये 3 जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो अगर अधिकारों के मामले में बात करें आप, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम होता है, तो कोलेजियम में बोला जाता है ना कि
जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो वरिष्ठों में प्रथम हैं, ठीक है। मीन्स अधिकारों में अंतर नहीं है, अधिकार सबके समान है, योग्यता सबकी समान है, लेकिन वरिष्ठों में प्रथम हैं, ठीक है। तो वरिष्ठों में प्रथम यानी वरिष्ठों में प्रधान एक तरीके से आप कह सकते हो। तो वैसे ही यहाँ भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इन तीनों में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एक तरीके से कह सकते हो कि तीनों में प्रथम है केवल। तो शक्तियों के आधार पर किसी तरीके का कोई अंतर नहीं, लेकिन रिमूवल को लेकर के ये बहुत बड़ा अंतर है। और चूंकि रिमूवल को लेकर के ये अंतर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर सरकार उन्हें कभी राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, तो ऐसे में उनका कार्यकाल भी जो है निश्चित नहीं रह जाता है। जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, ठीक है। अगर 6 साल पहले पूरे हो गए तो गए, और अगर 6 साल पूरे होने से पहले 65 साल की उम्र हो गई तो हटना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये सिलेक्शन कमेटी जो है अब उन 5 लोगों में से चुनेगी कि किसे जो है हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे। अब समस्या ये आ रही है कि सपोज करिए कि कोई नाम सजेस्ट किया गया सिलेक्शन कमेटी में, तो 2 लोग भाई जो यूनियन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है, कुल 3 लोगों को वोट डालना है, तो 2 लोग तो ऑटोमेटिकली एक साइड हो गए ना। तो कमेटी का मतलब ही क्या रहा फिर? तो यही हुआ कि सरकारी एक तरीके से जैसे अभी अपॉइंट कर देती है थ्रू द प्रेसिडेंट, तो उसी तरीके से जो है प्रेसिडेंट के द्वारा फिर से अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो बात वही रही ना कि फिर सिलेक्शन कमेटी बनाने का कोई मोटिव ही सर्व नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी इंडिपेंडेंसी है, जो इंडिपेंडेंस है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी। और ये संभावना क्यों जताई जा रही है? ये संभावना जताई इसलिए जा रही है, ऑथर अपने आर्टिकल में ये चीज़ बोलते भी हैं कि 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन के दौरान कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सरकार को कहीं ना कहीं जो है फेवर दिया गया, इलेक्शन को 1 महीने देर से कंडक्ट कराया गया, और 1 महीने देर से कंडक्ट कराने का कारण ये था ताकि सरकार जो है कुछ और कई सारे नए प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर सके, उद्घाटन कर सके, जिससे चुनाव में उसको इस चीज़ का भी बेनिफिट मिल जाए। तो एक तरीके से आप कहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव जो है उसको नहीं माना, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है। अब बाकी आर्टिकल में आप देख लीजिए कोई पॉइंट्स, वैसे हम लोगों ने सारे कंसर्न्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, बाकी पॉइंट वाइज में भी आपको दिख जाएगा। तो गवर्नमेंट का कंट्रोवर्शियल प्रपोजल है, आप समझ ही गए होंगे क्यों कंट्रोवर्शियल है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट को जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसके जजमेंट को एक तरीके से इन्होंने नकारा है, जिसमें बात की गई थी कि सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया जाए। 1990 में ये दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई थी और 1975 में जस्टिस तारकुंडे समिति, इन दोनों समितियों ने भी जो है CJI को के साथ मिलकर के एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी बनाने की बात की थी। कुल मिलाकर के एक तरीके से ये प्रयास था, अगर मान लीजिए CJI को शामिल कर दिया जाता तो इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने का और लेजिटिमेसी को बढ़ाने का एक तरीके से ये प्रयास था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेजिटिमेट कर दिया जाएगा और साथ ही में इंडिपेंडेंस जो है वो भी बनी रहेगी। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस कमेटी में शामिल हो जाएंगे तो उनके शामिल होने के बाद बेईमानी की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है ना। कुल मिलाकर के जो उन्होंने सरकार ने जो कमेटी प्रस्तावित की है उससे इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोटिव सर्व नहीं होता है। कई सारे संदेह उभर के आते हैं, कुछ पास्ट इंस्टेंसेस जैसे हमने आपको बताया कि सरकार को जो है बेनिफिट मिला, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि 1 महीने देर से चुनाव कंडक्ट कराया गया है ना। फिर उसके बाद में साथ ही साथ में यहाँ देखिए एक पॉइंट ये था कि स्वीडन का एक इंस्टीट्यूट है VDEM इंस्टीट्यूट, तो ये स्वीडन का VDEM इंस्टीट्यूट जो है वो क्या करता है कि कैटेगरीज में डालता है, जो लोकतांत्रिक देश है उनके लोकतंत्र की क्या कैटेगरी है उसको डिसाइड करने का काम करता है ये VDEM इंस्टीट्यूट स्वीडन का। तो इसने भारत की जो डेमोक्रेसी है उस भारत की डेमोक्रेसी को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के अंदर से, ऑटोक्रेसी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे तानाशाही, और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का मतलब कि एक ऐसी ऑटोक्रेसी है जिसमें दिखावे के तौर पर चुनाव हो रहा है। ये स्वीडन के VDEM इंस्टीट्यूट ने इसको जो है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कैटेगरी में डाल दिया है। कुल मिलाकर के ऑथर का कहना ये है कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था यानी CJI को शामिल करना चाहिए उस सिलेक्शन कमेटी में ताकि
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। कंक्लूजन में आप देखिए पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। इन कंक्लूजन द इशू ऑफ सिलेक्टिंग ECI मेंबर्स हैज़ फार रीचिंग implications फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड डेमोक्रेटिक institutions, अपहोल्डिंग द recommendations ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड देयर बाई curbing एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस मीन्स जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है उसको ख़त्म किया जाए, इज इसेंशियल टू इंश्योर दैट द ECI कंटिन्यूज टू प्ले रोबस्ट एंड इम्पार्शियल रोल इन फोस्टरिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक आइडियल्स। ताकि अभी तक जैसे रोल निभाता आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फर्दर भी वैसा ही इम्पार्शियल और कॉम्प्रीहेंसिव रोल, रोबस्ट मतलब एक तरीके से काफ़ी मजबूत रोल जो है वो निभा सके। ये जो है आर्टिकल था, इसके बाद चलते हैं हम लोग आज के दूसरे आर्टिकल की ओर। दूसरा आर्टिकल जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद है वाराणसी की, उसमें आपको पता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सरकार ने अभी GPR के थ्रू जो है GPR सर्वे कराया। तो GPR सर्वे का मतलब है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ठीक है। ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार आप ऐसे समझिएगा कि जैसे ज़मीन में कभी माइंस वगैरह लगी होती हैं या ज़मीन के अंदर की कोई चीज़ है, तो उन सारी चीज़ों को जानने के लिए अब हर जगह खोद खोद के तो देखा नहीं जाएगा, तो उसके लिए भी इस तरीके के रडार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मीन्स जो IED वगैरह हैं या जो एक्सप्लोजिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी रडार को का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी दोनों तरीके के मेथड्स को अपनाती है अपने जो परीक्षण है उनको पूरा करने के लिए। और कौन वो तरीके कौन कौन से हैं, तो एक तो आप जानते हैं खुदाई कर लेती है ना, तो एक्सकवेशन कर लिया, तो कोई ऐतिहासिक साइट है और उन्हें कुछ जानना है तो उन्होंने खुदाई कर ली। दूसरा, जहाँ खुदाई नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर जो है ये इस तरीके के जो जियोफिजिकल ब्रांच से जुड़े हुए तकनीकी उपकरण हैं तो उन उपकरणों के माध्यम से तरंगों के द्वारा जिस भी चीज़ के बारे में सर्वे करना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितना पुराना है या किस तरीके का, मींस उसके बारे में फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को कलेक्ट करने का प्रयास किया जा सकता है बिना उसको किसी तरीके की क्षति पहुंचाए। तो ऐसा ही जो सर्वे है ये GPR सर्वे है जिसको वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद में काशी में कराया जा रहा है। ऑथर जो है इसको लेकर के चिंता व्यक्त करते हैं और ऑथर की चिंता जो है वो मेन ये है कि स्टार्टिंग देखिए ऐसे करते हैं ये कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज कर लिया और कई मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स को अपना लिया है, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हों, जियोलॉजी के हों, एंथ्रोपोलॉजी के हों, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो साइंटिफिक मेथड्स हैं मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स को भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अंदर इंड्यूस कर लिया है अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए। पर अब देखिए जो खुदाई करने का काम है तो ये होता है इन्वेजिव मेथड, मींस जो जगह थी उस जगह पे किसी तरीके की एक भाई मिट्टी भी खोद दी तो एक नुकसान, इन्वेजिव मतलब छेड़छाड़ तो हो ही गई उस जगह के साथ में। और बाकी जो ये सर्वे रडार के थ्रू जो सर्वे किए जाते हैं इनको कहते हैं नॉन इन्वेजिव मेथड। तो ये जो ज्ञानवापी मॉस्क्यू में सर्वे हो रहा है ये नॉन इन्वेजिव मेथड है। अच्छा, नॉन इन्वेजिव मेथड जो है वो भी दो तरीके का होता है, एक्टिव भी हो सकता है पैसिव भी हो सकता है। इसके एक्टिव और पैसिव में आप बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर पाएंगे। अभी आप यहाँ आप देखिए इसको समझ जाइए कि एक्टिव मेथड में क्या होता है कि जिस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना है, जिस चीज़ का सर्वे करना है तो उसमें किसी तरीके की एनर्जी को इंजेक्ट करते हैं और एनर्जी को इंजेक्ट करने के बाद में जो रिफ्लेक्शन या जो रिटर्न आती हैं वेव्स, उनके आधार पर जो सर्वे होता है उसको कहते हैं एक्टिव मेथड। और पैसिव मेथड में क्या है कि किसी भी तरीके की एनर्जी वगैरह को इंजेक्ट नहीं किया जाता है ज़मीन के अंदर, मतलब हाँ भाई मतलब ज़मीन के अंदर, केवल सिंपल ऐसे ही रडार के थ्रू वेव्स वगैरह के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जाती है कि अंदर जो चीज़ है वो किस तरह की चीज़ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कितनी पुरानी है, एक तरीके से 3D इमेजिंग करने की कोशिश की जाती है। तो
कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी जो जीपीआर सर्वे है ये एक तरह का नॉन इन्वेजिव एक्टिव एंड पैसिव मेथड है, ठीक है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि चूंकि इसमें कोई चीज़, मतलब ऐसा तो है नहीं कि डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है डायरेक्ट आपकी रीच हो रही है किसी चीज़ तक, बस केवल जो है वेव्स के थ्रू या फिर जो है रडार की तकनीक के थ्रू जानने की कोशिश की जा रही है कि अंदर क्या है। तो जो भी डाटा मिलेगा या जो भी 3D इमेजेस मिलेंगे उनसे ये क्लियर कर पाना, उस डाटा के इंटरप्रिटेशन से एग्जैक्ट बता देना कि हाँ ऐसा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। किसी चीज़ के बारे में कहने का मतलब ये है कि कुछ भी इंटरप्रिटेशन किया जाए तो उस इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं संदेह की गुंजाइश जो है वो बनी ही रहेगी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से एम्बिगुअस रहेगा, अस्पष्ट रहेगा। आगे कहते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के थ्रू बीम को भेजा गया, अब बीम जो है मान लीजिए स्प्रेड कर गई, स्प्रेड करने के बाद किसी ऐसी चीज़ का रिफ्लेक्शन मिल गया आपको 3D इमेज में जिसके बारे में आपको नहीं जानना था, या फिर जिस चीज़ की इमेज आप बना रहे थे उस चीज़ की एग्जैक्ट इमेज नहीं मिल पाई आपको, तो इस तरीके की बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है उसमें निकल के आ सकती हैं। तो इस तरीके से डाटा के एनालिसिस और मॉडलिंग में कई तरह के चैलेंज जो है वो सामने आ सकते हैं GPR सर्वे के माध्यम से। दूसरा कहते हैं कि अगर मान लीजिए जो फैक्ट्स मिलेंगे भी, जो डाटा मिलेगा भी, तो उस डाटा की इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो मैथमेटिकल वर्क इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो मैथमेटिकल वर्क्स जो हैं वो नॉइज़ फ्री डाटा को ईज़िली इंटरप्रेट कर पाते हैं, और नॉइज़ फ्री डाटा को कलेक्ट कर पाना ये संभव नहीं है, या फिर ये जो है GPR सर्वे जो वहाँ हो रहा है उसमें ये इतना आसान नहीं है कि नॉइज़ फ्री सर्वे जो है कंडक्ट कराया जा सके जिससे नॉइज़ फ्री डाटा मिल जाए और उस डाटा को मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स में या डाटा कंप्यूटेशन के थ्रू जो है डाटा की इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली की जा सके। तो कुल मिलाकर के ये कहते हैं कि जब कहीं एक्सप्लोरेशन किया जाता है, देखिए ये जियोलॉजी वगैरह में इन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, अभी माइनिंग के बारे में जो एक हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था तो वहाँ इस बारे में बात की थी कि माइनिंग के एक्सप्लोरेशन में भी जियोफिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जियोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी तरीके के मेथड्स का यूज़ होता है। तो कहते हैं कि अगर जियोफिजिकल मेथड्स का किसी माइनिंग एक्सप्लोरेशन में या किसी ऐसे प्रोजेक्ट के एक्सप्लोरेशन में जिससे हम किसी तरीके का प्रोडक्शन करने वाले थे, वहाँ पर अगर इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, जैसे सपोज़ करिए कि हमने कहा नहीं यहाँ ढेर सारा लोहा मिलेगा, अभी खोदा लोहा नहीं मिला, तो ये इसमें क्या केवल फाइनेंशियल लॉस है। लेकिन यहाँ ऑथर कहते हैं कि यहाँ केवल फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला, एक गलत इंटरप्रिटेशन जो है वो लाखों लोगों के इमोशन को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है। तो इस तरीके के सर्वे के डाटा को इंटरप्रेट करते समय इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर के ये कहते हैं कि ये मामला केवल एक सर्वे तक का ही नहीं है, हिस्टोरिकल इंक्वायरी का मामला है, सोसाइटल सेंसिटिविटी का मामला है। तो जो लिमिटेशंस हैं जियोफिजिकल मेथड्स की, उन लिमिटेशंस को भी कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और इसी के साथ में जो है डिस्कशन हमारी आज यहीं समाप्त होती है। कुल मिलाकर के जो है आप लगातार सुनते रहिए, ठीक है। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है, या फिर वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई चीज़ समझ में ना आए, भले स्पीड थोड़ी कभी कभी धीमे हो जाती तो आप लोग यूट्यूब में बढ़ाने का ऑप्शन रहता है, आप उसको बढ़ा के भी देख सकते हो। बाकी आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए या फिर हमारे डिस्कशन में हमें क्या सुधार करना चाहिए, इस तरीके का कोई सुझाव आप देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है और आपको समझ में आता है, आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर और किसी को आप समझते हो कि किसी को भेजना चाहिए तो शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों का सुझाव देना या शेयर करना या सब्सक्राइब कर लेना ये मेरे काम करने के लिए भी मोटिवेशन के तौर पर रहता है।
चलिए आज का हमारा डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।